तो हेलो गाइस, होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं एक्सप्लोर अंकित आप सभी का स्वागत करता हूँ वापस से नए वाली वीडियो में। तो इस वाली वीडियो में यार काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस वाली वीडियो में आप लोगों का जो है एंट्रेंस से रिलेटेड ये वाला वीडियो होने वाला है कि बीएससी के स्टूडेंट क्या पढ़ें और जो बीएससी में दोनों ग्रुप्स होते हैं मैथ्स ग्रुप के लिए और बायो ग्रुप के लिए कैसे आप लोगों को अप्लाई वगैरह करना है, ये आप लोगों को सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों के एंट्रेंस का पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है जिससे आप लोग एंट्रेंस निकाल सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी मैथ्स ग्रुप की। मैथ्स ग्रुप मतलब जो लोग मैथ से बीएससी करना चाहते हैं, मैथ्स ग्रुप में बेसिकली आप लोगों का स्टेट्स वगैरह भी आ जाता है, ठीक है, और मैथ्स में आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह भी रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी रहता है और जियोलॉजी भी वगैरह रहता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की मैथ्स ग्रुप में आती हैं और बाकी जो ZBC वगैरह होता है वो सब आप लोगों के बायो ग्रुप में आता है, ठीक है। तो मैथ ग्रुप में सबसे पहले आप लोगों का जान लेते हैं क्या क्या पूछा जाता है। तो तीन चीज़ें आप लोगों की पूछी जाती हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ, एंट्रेंस आप लोगों का 200 नंबर का आता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं उसमें और हर एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स का रहता है, ठीक है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फिर से सुन लीजिए, कोई भी निगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होती है। 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 मार्क्स के रहते हैं। अब 100 क्वेश्चन में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये जान लेते हैं। तो 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं अगर आप लोगों ने मैथ्स ग्रुप के लिए अप्लाई किया है या फिर मैथ्स से आप लोग बीएससी वगैरह करना चाहते हैं मैथ्स ग्रुप से, तो 3 सब्जेक्ट आप लोगों के आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। 12th तक का आप लोगों से पूछा जाता है जिसमें मोस्टली 11th और 12th के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं और हाई स्कूल वगैरह के कम क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, ठीक है। तो ये रहता है, मैं खुद ही बीएससी का स्टूडेंट था उसमें जो देखिए रेशियो तो बराबर बराबर रहता है, फिजिक्स के थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, नॉर्मल रहता है, और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह से, और आप लोगों का जो भी रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया। मैथ में भी ज़्यादा नहीं रहता है, कैलकुलस के थोड़े बहुत से क्वेश्चन पूछ लेते हैं शॉर्ट वाले, ठीक है, डिफरेंशिएशन वगैरह आ जाता है थोड़ा बहुत, एक आध दो क्वेश्चन उससे आ जाते हैं और थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी पूछ लेते हैं एक दो क्वेश्चन। इसके अलावा आप लोगों के छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं मैथ के वो आप लोगों के आ जाते हैं 11th और 12th से, NCERT वगैरह से थोड़ा बहुत देख लीजिएगा मैथ वगैरह, आप लोगों का हो जाएगा आराम से। इसके अलावा फिजिक्स में भी ऐसा ही है, या फिर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग सीधा लूसेंट से उठा के पढ़ लीजिए, आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, जनरल पूछी जाती है और 11th 12th का हायर लेवल भी थोड़ा बहुत उसमें पूछ लेते हैं। तो ऐसे ही डिवाइडेशन रहता है 30-30 नंबर का और मिला के टोटल आप लोगों का 100 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा है आप लोगों का मैथ्स ग्रुप का। अब बायो ग्रुप में जान लेते हैं, जो रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, मैं खुद ही बताने नहीं लग रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों को एक कौशन दे रहा हूँ कि मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट ने रिकमेंडेशन दी है या जो वो प्रीवियस ईयर में दे चुके हैं, मैं ऑलरेडी बीएससी का स्टूडेंट था तो मैंने आप लोगों को बीएससी के पर्पज़ से मैंने बता दिया क्योंकि मैंने वो एंट्रेंस दे रखा था। और आप लोगों को अब बीएससी बायो ग्रुप का बता देता हूँ। तो बीएससी बायो ग्रुप में जो 50% क्वेश्चन रहते हैं वो बायो के रहते हैं, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड रहते हैं और 12th की NCERT आप लोग कर लीजिए, 11th 12th की NCERT कर लीजिए, आप लोगों का आराम से हो जाएगा, ठीक है। 20-30 का रेशियो रहता है आप लोगों का, 11th और 12th की NCERT कर लीजिए, आप लोगों का बायो हो जाएगा। बायो के 50% क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन आप लोगों को बायो के मिल जाएंगे। इसके अलावा 30 क्वेश्चन आप लोगों को लगभग केमिस्ट्री के होने चाहिए और उसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों का पूछा जाता है वो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक वगैरह आप लोगों का पूछा जाता है और फिजिकल केमिस्ट्री भी उसमें आप लोगों का इंक्लूड रहता है, ठीक है। और एक नई चीज़ और इंक्लूड की गई है, वो है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर का जो बेसिक होता है वो किसी भी बुक से आप लोग पढ़ लीजिए, RCC वाली से या जो भी आप लोगों की करंट अफेयर वगैरह की आती हैं उनमें आप लोगों को जो कंसाइज करके जो बुक आती है 100 क्वेश्चन वाली वो आप लोग कर लीजिए। एंट्रेंस की जो भी बुक्स होंगी, जो भी अब मार्केट में भी चल रही हैं या जो मैंने खुद पढ़ी हैं वही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। सारी बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं मैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होंगी वो, तो जितनी भी बुक्स हैं मैं सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप लोग वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्यूटर साइंस से आएंगे और ऐसे ही आप लोगों के 100 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं। ये आप लोगों के लिए ZBC का था, मतलब बायोलॉजी ग्रुप से जो लोग BSc करना चाहते हैं, ठीक है। इसी सीरीज में, ये एंट्रेंस वाली सीरीज है, इसी सीरीज में सारे कोर्सेज का मैं लेके आने वाला हूँ, PG के भी जो भी कोर्सेज लखनऊ यूनिवर्सिटी में होते हैं, PG मतलब BA, BSc, MCOM वगैरह, MBA वगैरह आप लोगों का, MA, MSc वगैरह, सॉरी, ठीक है, BA, BSc आप लोगों का इसमें UG में आ जाएगा। BA का भी ग्रुप वो आप लोगों का लिए वीडियो लेके आऊँगा, BA के लिए आप लोग अगर एंट्रेंस की तैयारी करना है तो आप लोगों को क्या क्या उसमें पढ़ना है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, होपफुली ये वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी आप लोग एस्पिरेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिए, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों की टीम आप लोगों को रिप्लाई करेगी। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।